मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता, मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता। Is Dimple praying to her gods? नहीं, वो भी मैं नहीं समझता इस बात को इस तरीके से ले रही होगी। तो सुना आपने, अखिलेश यादव पूजा नहीं करते क्योंकि इनको हिंदू होने पर शर्म आती है। लेकिन हाय रे चुनाव, क्या क्या न कराए। जिस अखिलेश यादव ने अपने घर के मंदिर में कभी पूजा तक नहीं की, वो चुनाव आते ही मठ मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं। जिस हिंदू विरोधी सपा ने राम भक्तों का सीना छल्ली कर सरयू के पानी को लाल कर दिया था, वो अखिलेश यादव अयोध्या में पहली बार रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने खुद को हिंदू साबित करने के लिए यहाँ तक कह डाला कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आए थे। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। भगवान श्री कृष्ण सपने में जरूर आए होंगे। यूपी की जनता कार सेवकों का नरसंहार, 84 कोसी यात्रा पर बैन और भगवान शिव की कांवड़ यात्रा में डीजे पर बैन, काशी में संतों पर लाठी चार्ज को न भूली है और न कभी भूलेगी। अखिलेश यादव सत्ता से बाहर रहने पर मीडिया के सामने बार बार से बोलने से कोई हिंदू नहीं बन जाता। हम जितने लोग रथ में बैठे हैं सब हिंदू हैं। अखिलेश जी, मात्र 5 सालों तक जनता ने आपको सत्ता से दूर क्या रखा, आपने भगवान के सपने देखने शुरू कर दिए। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी और पहली बार अयोध्या जाने का मन बना लिया। अभी तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको न जाने क्या क्या सपने में दिखाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये तय कर चुकी है कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं।